और बहनों, ये भी याद करिए कांग्रेस ने हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब के साथ क्या सलूक किया। उन्हें हराने के लिए कांग्रेस ने कितनी साजिशें रची थी, ये भी आज की युवा पीढ़ी और हमारे युवाओं को जानना जरूरी है। सोचिए, कांग्रेस ने बाबा साहब की याद तक को भारत के जनमानस से मिटाने की साजिश रची, अपने परिवार को भारत रत्न देना कांग्रेस को याद रहा, लेकिन बाबा साहब याद नहीं आए। बाबा साहब को भारत रत्न मिला तो बीजेपी और उसके सहयोगियों के लगातार प्रयास की वजह से मिला। भाई और बहनों, बाबा साहब का जितना अपमान कांग्रेस ने किया है उतना किसी और दल ने नहीं किया। कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ जो किया था उसके बाद मैं मानता हूं कि जो भी बाबा साहब को पूजनीय मानते हैं वो कभी भी कांग्रेस का साथ नहीं दे सकते। लेकिन कुछ राजनीतिक अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, सत्ता पाने के लिए बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो आपातकाल में जेल गए थे। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, आदर्शों की बातें करते थे। ये वही जमात जो कभी जेपी जेपी कहा करती थी वो आज कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए हैं। भाई, सत्ता का मोह क्या स्वाभिमान से बड़ा होता है? खैर, जिन्होंने बिहार के स्वाभिमान की चिंता नहीं की उनसे इस बात की भी उम्मीद नहीं की जा सकती। भाई और बहनों, बाबा साहेब का मान सम्मान किसी भी राजनीतिक दल की ऊंचाई से कहीं ज्यादा ऊंचा है। कांग्रेस द्वारा उनका पाप हम इतिहास से नहीं मिटा सकते, लेकिन आने वाली पीढ़ियां उनका नाम सुनकर गर्व महसूस करें, उनसे प्रेरणा लें, इसके लिए कोशिश जरूर कर रहे हैं। लंदन में जहां बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण की, दिल्ली में जहां बाबा साहब का निधन हुआ, मुंबई में जहां चैत्यभूमि अंतिम संस्कार हुआ, उनके जीवन के इन महत्वपूर्ण पांच स्थलों पर हमने पंच तीर्थ तौर पर विकसित करने का काम एनडीए की सरकार ही कर रही है। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाने का फैसला भी एनडीए की सरकार ने किया है।